नमस्कार, होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम करेंगे एक प्रैक्टिस सेट यूजीसी नेट पेपर वन के लिए, जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे उसमें, और साथ में डीआई के यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होंगे। आपको पता है कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों सेक्शन से, यानी पाँच पाँच क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 5 क्वेश्चन ये डीआई से आपके पूछे जाते हैं। तो हम इसी तरह से रोज एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे हमारी तैयारी एक अच्छी हो सकेगी और हम उसी लेवल के, उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। क्योंकि ये जो आपको मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो एक तरह से प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस हैं। तो जितने आपके प्रीवियस ईयर हैं वो भी आप कवर कर पाएंगे, और एक लेवल आपको मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग का जो लेवल होता है बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, और आजकल जो ट्रेंड है डीआई पूछने का, वो जनरली आपकी जो डीआई पूछी जाती है वो टेबल के रूप में पूछी जाती है, आपसे टेबल वाली अधिकतर पूछी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि टेबल के अलावा, बहुत सारे सेट में भी ऐसा होता है कि टेबल के अलावा आपके लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, तो हम उसके भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली हम डीआई को पूरी तरह से कवर करेंगे, साथ साथ जो मैथ के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो डीआई में यूज भी होते हैं और कई बार क्वेश्चन के रूप में डायरेक्टली पूछ भी लिए जाते हैं, उनको भी हम धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरी कोशिश ये है कि आपकी एग्जाम तक, जो आपको अभी बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है आपके एग्जाम में, तो आप उनके एग्जाम जैसे, क्योंकि अभी आपको ऐसा तो है नहीं कि आपके जो पेपर भी होंगे तो उनकी ही प्रैक्टिस कर लें, तो आपको प्रीवियस ईयर से ही करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में आप जो क्वेश्चन करेंगे वो डीआई के करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका लेटर एंड नंबर सीरीज से, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, हर बार लगभग एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से जरूर पूछा जाता है। यानी मान के चलिएगा 2 नंबर अगर आपके पक्के हो जाएंगे, अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर देंगे। तो इस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है आएगा क्या। ठीक, सबसे पहले हमें पैटर्न पहचानना है, क्या पैटर्न रहेगा। तो देखें आप, यहाँ पर देखो 16 है, 16/32 यानी 1/2 है, 15/33 कोई तुक नहीं बनता है, पॉइंट में वैल्यू आएगी, दशमलव में आपको जाना नहीं है। अगर मैं पहला ऊपर जो लिखी हुई संख्या है उसी को देखते हैं, तो 16 यहाँ पर है, यहाँ पर 15 है, तो एक कम हुआ, यहाँ पर फिर 2 ऐड हो गया, फिर 3 कम हुआ, यहाँ पर जो संख्या है वो 3 कम हुई है। आगे नेक्स्ट क्या आएगी, आप इस तरह से भी लॉजिक इसको इसका लगा सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं अल्टरनेट क्रम में, एकांतर क्रम में। जैसे 16 यहाँ पर है, यहाँ पर एकांतर क्रम में एक छोड़ करके यहाँ पर कितना आया है 17, और नेक्स्ट एक छोड़ करके यहाँ पर आने के चांस किसके हैं 18 के। आप जनरल भी देखें तो 16 यहाँ पर क्या हुआ है भाई, -1, यहाँ पर नेक्स्ट क्या हुआ है +1 हुआ है, यहाँ पर नेक्स्ट प्लस कितना हुआ है 2, और यहाँ पर नेक्स्ट में कितना हुआ है -3, तो नेक्स्ट होने का स्कोप क्या है +4। एक बार माइनस, एक बार प्लस, और एक संख्या हर बार बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 18 आ जाएगा ऊपर। 18 कौन से ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन आप क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। आपके पास में अब मात्र 2 ही विकल्प मौजूद हैं, ऑप्शन सी और डी, यानी या तो 35 आ सकता है या 30। 30 और 35 में भी हम देखते हैं कैसे आएगा, क्या आएगा। यहाँ पर 32 है, यहाँ 33 है, फिर 31, फिर 34, यानी यहाँ पर भी कम ज्यादा हो रहा है। 32 से 33 हुआ तो आपका कैसा हुआ, ये +1 करके हुआ है, 33 से बना 31, कैसे बना होगा, -2 किया होगा। 31 से 34 बनेगा कैसे, 31 + 3 होता है 34, और आगे जो नेक्स्ट आएगी संख्या आपकी वो कैसे आएगी, माइनस की संख्या आएगी एक, तो और माइनस कितना होगा 4, 34 में से 4 घटाओगे तो कितना मिलेगा 30। आपका आंसर कितना हो जाएगा 18/30, 18/30, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या रहेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये प्रश्न आता है आपका कैलेंडर से। कैलेंडर इंपॉर्टेंट है लेकिन हर सेट में नहीं आता, मतलब जितने आपके एग्जाम में सेट बनते हैं, जरूरी नहीं है हर सेट में कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन जो इसके पहले हमने क्वेश्चन किया वो लगभग हर सेट में आपको मिलेगा। कभी कैलेंडर पूछ लेता है, कभी क्लॉक से क्वेश्चन पूछ लेता है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि हर सेट में नहीं मिलेगा, किसी किसी सेट में मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो 5 ही आने हैं और एक्सरसाइज तो बहुत सारी है आपकी। देखिएगा क्या दिया गया है, सोमवार 20 मार्च 1995 को पड़ता है, 3 नवंबर 1994 को कौन सा दिन रहेगा। अब देखो 20 मार्च 1995, इसका आपको पता है क्या है, मंडे है, सोमवार है, यानी कि 20 मार्च को है क्या, मंडे, ये है मंडे, मंडे के लिए मैंने हम लिख दिया है। कब है ये, कौन से ईयर में, 1995, लेकिन आपसे पूछा तो पहले का गया है ना, 1994 का पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे 20 मार्च 1994 में कौन सा दिन होगा, एक साल पहले कौन सा दिन है। आपको पता होना चाहिए कि जब सामान्य वर्ष होता है,
सामान्य वर्ष होता है उनके बीच में एक दिन का गैप आता है, मतलब 1994 से 1995 जब आप जाएंगे तब आपको केवल एक दिन का गैप मिलेगा। एक दिन का गैप बढ़ जाता है अगर अगले ईयर में जाते हैं, पिछले में आएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा। अगर मंडे 1995 में था तो 1994 में क्या रहेगा? संडे रहेगा। क्या रहेगा? रविवार रहेगा, संडे। तो आपको एक चीज पता चली कि 1994 में 20 मार्च को क्या है? संडे है, रविवार। अब लेकिन आपको 20 मार्च से तो काम चलना नहीं है, 9 नवंबर, 3 नवंबर तक जाना है। तो नवंबर के लिए जाते हैं हम, एक एक करके जाएंगे। देखो 20 मार्च 1994 की बात है तो 20 अप्रैल की बात करें, अप्रैल में क्या होगा? अप्रैल के लिए अगर आप देखें मार्च से लेके अप्रैल तक, मार्च कितने दिनों का होता है? 31। इसमें विषम दिनों की संख्या क्या होती है? विषम दिनों की संख्या होती है 3। 3 क्यों होती है? क्योंकि जो 7 के चक्र से बच जाते हैं, सप्ताह में 7 दिन, 7 के चक्र से जो बच जाते हैं दिन, उनको हम ओड डे या फिर विषम दिन कहते हैं। 7 का चक्र, 7 से भाग करो 31 को, तो 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा। तो आप देखेंगे जब आप अप्रैल में जाएंगे तो 20 मार्च में आपको 3 दिन और जोड़ देने पड़ेंगे, यानी पहले जब संडे था तो संडे में क्या करना पड़ेगा? आपको 3 दिन को ऐड करना पड़ेगा। अप्रैल के बाद में जाएंगे हम मई पे, तो 20 मई, यहां पर भी आप क्या करेंगे? अप्रैल से मई कितना होगा? 2 दिन का, क्योंकि अप्रैल 30 दिनों का होता है। अब मई के बाद में 20 जून पर जाइएगा, 20 जून के लिए आपको 3 दिन ऐड करने पड़ेंगे, 20 जुलाई के लिए आपको 2 दिन ऐड करने पड़ेंगे, ऐसे ही 20 अगस्त के लिए आपको 3 दिन, जुलाई 31 दिनों की होती है। 20 सितंबर के लिए अगर आप देखेंगे तो कितने दिन ऐड करने पड़ेंगे? भाई 3। ये ध्यान रखना, जुलाई और अगस्त एकमात्र ऐसे महीने हैं पूरे साल में, जनवरी से शुरू करके दिसंबर तक, जिसमें 31 31 दिन होते हैं। सितंबर के बाद में आप जाते हैं 20 अक्टूबर तक, तो यहां पर आपको कितने दिन ऐड करने पड़ेंगे? 2, क्योंकि सितंबर 30 दिनों का होता है। अब इसके बाद अगर आप देखें, इतने के बाद में आप अक्टूबर तक पहुंच गए, आपको कब तक जाना है? नवंबर में जाना है, वो भी 3 तारीख तक। अक्टूबर के कितने दिन और बचे हैं? अगर आप देखें कि अक्टूबर के कितने दिन और बचे हैं, तो आप देख पाएंगे यहां पर अभी 20 अक्टूबर तक ही केवल आप पहुंचे हैं। आप कहां तक पहुंचे हैं? केवल 20 अक्टूबर तक। और पहुंचना कहां तक है आपको? नवंबर तक पहुंचना है। तो यहां से अगर आप देखेंगे कितने नवंबर तक जाना है? 3 नवंबर तक। अक्टूबर के दिन कितने बचे? 20 के बाद में अक्टूबर होता है 31 दिनों का, तो आपके दिन बचते हैं 11। नवंबर के कितने दिन बचे? नवंबर के दिन बचते हैं आपके 3। टोटल आप देखो, आपको 20 मार्च का पता था, टोटल आप ऐड करोगे कितना आएगा? अगर आप ऐड करेंगे यहां से, आप देखेंगे 3 2 5, 3 8 2 10, 3 13, 3 16, 2 18, 18 और 11 कितने होते हैं भाई? 18 10 28 29, 29 और 3 32। तो आपने कितना ऐड किया भाई? 32 ऐड किया। किसमें? कौन से दिन में? संडे में 32 ऐड कर, 32 डायरेक्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर से इन 32 दिनों में आप क्या देखेंगे? विषम दिन। विषम दिन कितने होते हैं भाई? 32 दिनों में 4 विषम दिन होते हैं। क्यों? 7 चौक 28 और 4 शेष कितना हो गया? 4 विषम दिन। 4 विषम दिन होने का मतलब है संडे के बाद में 4 दिन और ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा? संडे के एक दिन बाद मंडे, फिर 2 दिन बाद ट्यूसडे, 3 दिन बाद वेडनेसडे और 4 दिन बाद थर्सडे, यानी कि गुरुवार आपको मिल जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। बात समझ पाए होंगे? एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कहा है कि सोमवार 20 मार्च 1995 को पड़ता है, तो 3 नवंबर 1994 को कौन सा दिन पड़ेगा? एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। 20 मार्च को क्या था? आपको पता है मंडे था, तो 20 मार्च 1994 को संडे रहा होगा, एक दिन का गैप आया होगा पीछे की तरफ, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। अब मार्च में ये था, तो अप्रैल में कितने दिन का गैप आएगा भाई? 3 दिनों का। इसी हिसाब से अप्रैल के बाद में मई में 2 का, जून में 3 का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर नहीं है, अक्टूबर के 11 दिन और नवंबर के 3 दिन, क्योंकि 3 नवंबर को बताना है। कुल मिलाकर कितने दिन बचे हुए हैं सप्ताह के चक्र से? 32 दिन के बाद में 4 दिन बचे हैं। आप संडे में, क्योंकि 1994 की बात है, संडे में क्या ऐड कर देंगे? रविवार में 4 दिन ऐड करेंगे, आपको कितना मिल जाएगा? गुरुवार मिलेगा, यही हो जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर। समझ पाए होंगे? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका औसत से। मैथमेटिक्स में एक पोर्शन काउंट करते हैं, लेकिन रीजनिंग का भी है, बहुत आसान होता है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो सम संख्याएं, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि 2 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं छोड़ती। ऑन डिवाइडिंग अपॉन 2 नो रिमाइंडर इज बैलेंस। तो आप देखेंगे 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। तो आप देखेंगे क्रमागत संख्याएं होती हैं 2 2 के गैप पर, 2 4 6 8 सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं। मान लेते हैं एक संख्या एक्स है, तो उसके अगली कितनी होगी? एक्स प्लस 2 होगी। उसके अगली कितनी होगी? एक्स प्लस 4 होगी। और उसके अगली नेक्स्ट होगी एक्स प्लस 6। इन सब का औसत, औसत 4 संख्याओं का है, तो 4 से आप करते हैं भाग। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, और इन सब का मान कितना दिया है? 27 दिया है। तो आप देखेंगे ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4x, 2 4 6 और 6 12।
बराबर कितना हो जाएगा, 27 चौका 25 चौका 100 और 2 चौक 8, यानी कि 108 के बराबर। तो आप देखेंगे 4x बराबर किसके हो जाएगा, 108 माइनस 12 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 96/4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दुनी 8, 4 चौक 16, यानी x की वैल्यू तो आई 24। लेकिन आपसे x की वैल्यू पूछी ही नहीं, आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या मानी थी आपने, x प्लस 6 मानी थी, तो सबसे बड़ी संख्या 24 + 6 यानी कि 30 हो जाएगी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब मैं बताता हूं आपको बेटर तरीका इसका, ये बेसिक तरीका है इसको करने का x मान के, इसका बेटर तरीका क्या है वो देखो। 27 क्या है, औसत। जब भी क्रमागत रूप से संख्याएं होती हैं, चाहे क्रमागत सम संख्याएं हो, क्रमागत विषम संख्याएं हो, क्रमागत पूर्णांक हो, जब भी क्रमागत रूप से होंगी या फिर एपी के रूप में होंगी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, तो आप देखेंगे औसत हमेशा एकदम बीच में फिट होता है, एकदम बीच में सेंटर में होता है। तो आप देखो अगर 27 औसत है तो इसके पहले एक सम संख्या रही होगी जो कि होगी 26, सम संख्या 26 ही है ना 27 से पहले, इसके बाद भी एक सम संख्या होगी वो कितनी होगी 28। 26 से पहली सम संख्या क्योंकि क्रमागत है लगातार आने वाली है 24 है, और 28 के बाद वाली कितनी है भाई 32। आप देखो ये चारों की चारों क्रमागत सम संख्याएं हैं, 27 नहीं है, 27 हो सकता है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी आपकी 32, यही आपका जो हो जाएगा आपका 27 के बाद आएगी आपकी 28, 28 के बाद में आ जाएगी 32 नहीं 30 आएगी, और यही हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी। ठीक, लगातार आनी चाहिए, क्रम से आनी चाहिए, और इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं बहुत कम टाइम। चलते हैं अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। इन ए सर्टेन कोड एफ एच क्यू के मीन्स जी आई आर एल, हाउ विल वुमेन बी रिटन इन सेम कोड। एक निश्चित कोड में एफ एच क्यू के का अर्थ जी आई आर एल है, उसी कोड में वुमेन को कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, लगभग हर बाहर सेट में आपको देखने के लिए मिलता है। क्या करते हैं इसमें भाई, हम रिलेशन बनाते हैं, पहले अगर हम डी कोड कर लेते हैं उस रिलेशन को तो आप आंसर भी दे पाओगे आराम से। सबसे पहले लिख लीजिए एफ एच क्यू के, और इसके नीचे लिख लेते हैं हम जी आई आर और एल। अब देखो ये जो आपने लिखा है ना, इसमें आपको रिलेशन बनाना है। अगर देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो ऊपर लेटर लिखे हैं क्या वो नीचे लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, ऊपर एफ था नीचे तो नहीं लिखा। फिर देखते हैं अपोजिट तो नहीं लिखे, एफ का अपोजिट यू होता है, एच का एस होता है, वो भी नहीं लिखे। तब आपको इनकी नंबरिंग कर लेना बेटर ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, आप नंबरिंग कर लेते हैं। एफ छठे स्थान पर आता है, एच आठवें पर आता है, क्यू 17 पर आता है, और के 11 पर, जी 7वें स्थान पर आता है, आई 9वें पर आता है, आर 18 पर आता है, एल आता है 12 पर। आप देखेंगे सब ये जो नंबर लिखे हैं वो सारे नेक्स्ट वाले नंबर आपके लिखे गए हैं, 6 के बाद में 7, 8 के बाद में 9। तो आप वुमेन को अगर लिखना है डब्ल्यू ओ एम ई एन, तो इसके नेक्स्ट वाला आप लिखते चले जाइए। नेक्स्ट डब्ल्यू के बाद में क्या आएगा, डब्ल्यू आता है 23 पर, तो 24 पर कौन सा आएगा, एक्स आएगा। और जैसे ही आपने इतना क्रैक किया आपको आंसर मिल ही गया है, पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं आपको, तो ओ के बाद में पी आता है तो पी लिखेंगे, एम के बाद में आता है एन, ई के बाद में आता है एफ, और एन के बाद में आता है ओ, आपको आंसर मिल जाएगा एक्स पी एन ई ओ, ये हो जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट वाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द एंड्स ऑफ ए वॉच पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये घड़ी का प्रश्न है, कहने का मतलब है 4 और 5 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं में होंगी, किस टाइम पर होंगी अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे एक आप लगभग समझ बना सकते हैं 4:50 के आसपास ऐसा समय आपको दिखता है। मैं एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं बता रहा, आइडिया से बता रहा हूँ कैसे कहना चाह रहा है वो। जैसे आप देखेंगे 6 बजे घड़ी की सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, घंटे की अगर वो सुई की बात कर रहा है तो वो कौन कौन सी सुई की बात कर रहा है, जनरली मिनट की सुई और घंटे की सुई। क्या कह रहा है भाई, 4:05 के बीच में घड़ी की सुइयां एकदम विपरीत होंगी, विपरीत होने का मतलब 180 डिग्री के कोण पर होंगी। एक फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है भाई, थीटा बराबर 30h डिफरेंस 11/2 m। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करते हैं और आपको आंसर सीधा सीधा मिल जाएगा। अगर दो चीज दी गई है तो इस फॉर्मूले में आप रख लीजिए। थीटा आपको पता है कितना है भाई, थीटा की वैल्यू आपको पता है 180 डिग्री। जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो क्या होगा भाई, 180 डिग्री हो जाएगी थीटा की वैल्यू। आपको 30h यानी यहां पर अगर आप देखें तो घंटे का भी पता है, ये बीच में मैंने निशान लगाया, यह डिफरेंस का निशान है, अंतर, बड़े में से छोटे को घटा देना है। बड़े और छोटे का पता कैसे चलेगा, जब मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर आगे पहुंच जाती है तो मिनट वाला जो हिस्सा है वो बड़ा हो जाता है, ये पीछे वाला हिस्सा मिनट वाला हिस्सा है।
तो इसको आप क्या कर लेंगे, उल्टा लिख लेंगे। अब 11/2 मिनट आपको निकालना है, कितने बजे ऐसा होगा 4 बजे के बाद, माइनस 30, यहाँ पर 30H है ना, ये मैंने पीछे लिख दिया क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाना है, माइनस में वैल्यू अंतर में नहीं आती है, 4 बजे के बाद की बात है, तो 4 घंटे के बाद की बात है। सोल्व करेंगे इसको, 180 प्लस 30 चौक 120 इधर आ जाएगा, बराबर 11/2 m। अगर मुझे यहां से m की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300, 180 और 120, 300, ये बटे दो वाला 2 गुना में, और नीचे कितना आ जाएगा 11। m बराबर वैल्यू अगर आप निकालें कितना हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 600, सॉरी 300 × 600/11। 11 से डिवाइड करिएगा कितनी वैल्यू हो जाएगी, 11 × 55 = 50 हो जाएगा, 11 × 44 और बचेगा कितना 6, 44 और 6 = 50 और बटे 11। ये m की वैल्यू आई, यानी मिनट की वैल्यू आई, कितने बजे के बाद आई है मिनट की वैल्यू, आप देखेंगे 4 बजे के बाद में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4:54 सही 6/11 मिनट पर, यानी 4 बजे से 4 बजे और 5 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां 4:54 सही 6/11 मिनट पर एक दूसरे के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब आपसे अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि 4 बजे के बाद में किस समय 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तब भी आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी आसानी से उसको कर पाएंगे। अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका सिलोलिस का, यानी न्याय निगमन आपका टॉपिक है रीजनिंग का, एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत जनरली हम इसको रखते हैं। इसमें एनालिसिस करनी होती है आपको, जो स्टेटमेंट दिए हैं और स्टेटमेंट को सही मानना ही होता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, नीचे दिए गए कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से मान्य है। कथन है अधिकांश शिक्षक परिश्रमी होते हैं। अब इनके आधार पर आपको निष्कर्ष बताना है। कुछ शिक्षक मेहनती होते हैं, देखो मेहनती की तो बात ही नहीं की, वो कह रहा है कि कुछ शिक्षक मेहनती होते हैं, कुछ शिक्षक मेहनती नहीं होते हैं। यहाँ पर शब्द का यूज किया है परिश्रमी, और यहाँ पर मेहनती। अगर इंग्लिश की बात करें आप, देखो कि वो कह रहा है कि मोस्ट टीचर आर हार्ड वर्किंग, और इंग्लिश हिंदी में क्या दिया है, परिश्रमी मेहनती। हालांकि जब सिलोज के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एग्जैक्ट वर्ड मिलना चाहिए परिश्रमी और मेहनती का। यहाँ पर अगर हिंदी में देखें तो ये अलग अलग हो जाएगा अगर आप हिंदी की बात करते हैं, सिलोलिज्म की बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसीलिए आपको देखना चाहिए, यहाँ पर दोनों के लिए सेम वर्ड यूज किया है हार्ड वर्किंग, तो आप इसको मेहनती और परिश्रमी को यहाँ पर भी एक ही वर्ड की तरह से ट्रीट कर रहे होंगे। अदरवाइज जो आप जनरल सिलोज में करते हैं ना तो उसमें नहीं करते, पर ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस वजह से हम क्या मानेंगे, इन दोनों को सेम ही मान रहे होंगे। देखो अधिकांश शिक्षक मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, अब इसको ऐसे आप ट्रीट करेंगे। कुछ शिक्षक मेहनती होते हैं, वो कह रहे हैं अधिकांश शिक्षक मेहनती होते हैं, तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाना चाहूं तो मैं ऐसे बनाऊंगा, शिक्षक मेहनती, ये है शिक्षक यानी टीचर, और ये क्या है, मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। तो कुछ शिक्षक मेहनती हैं, अधिकांश शिक्षक, अधिकांश और कुछ एक जैसी बात होती है सिलोज में, अधिकांश में आप सारे तो कह नहीं रहे। आप अगर जानते हो 100 टीचर्स को, आप कहो कि मैं तो उनमें से 90 को जानता हूँ और 90 के 90 मेहनती थे, तो आप क्या कहोगे, अधिकांश शिक्षक मेहनती होते हैं। आप ये तो नहीं कह दोगे कि 100 के 100 शिक्षक मेहनती है, यानी सारे मेहनती है, आप तो 90 के बारे में जानते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि कुछ शिक्षक मेहनती होते हैं, 90 मेहनती हैं तो कुछ तो मेहनती है ही ना, तो दोनों बात क्या है, सही है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सही। सेकंड है कुछ शिक्षक मेहनती नहीं होते, अब ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। अब वो कह रहा है देखो आप जैसे वेन डायग्राम बनाते हैं ना, इसमें ये गलती कर देते हैं, हम ये मान लेते हैं ये वाले शिक्षक मेहनती नहीं है। अभी मैंने एग्जांपल दिया, 100 में से अगर आप 90 टीचर को ही जानते हैं तो उसके बारे में ही आप कुछ कह सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, या उनके बारे में ही बता सकते हैं कि अधिकांश शिक्षक मेहनती होते हैं। लेकिन चूंकि आप उन 10 के बारे में नहीं जानते, यानी आप एक कुछ कुछ लोगों के बारे में जानते ही नहीं है, मेहनती हैं नहीं है, तो आप उनके बारे में कुछ प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। आप ये कहना कि कुछ शिक्षक मेहनती नहीं होते, ये बात भी क्या है, गलत है, क्योंकि आप श्योर नहीं हो, और जब तक सिलोज में श्योरिटी नहीं होती आप उसको सही नहीं मानते हैं। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत, आपका आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है डीआई का क्वेश्चन है, और यह है क्वेश्चन आपका पाई चार्ट से क्वेश्चन आपका लिया गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसलिए हमने लिया है। चलिए देख लेते हैं, इनमें खेलों का जो परसेंटेज है, आप देखिए निम्नलिखित पाई चार्ट एक विशेष वर्ग के दौरान खेलों पर देश के व्यय को दर्शाता है कि किस खेल पर कितना व्यय एक कंट्री करती है, उसके जो खर्च है उसको दर्शाया गया है। हॉकी पर 15%, टेनिस पर 10%, इस तरह के दिया गया है। अब इसके आधार पर पूछे गए हैं आपसे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन दिया गया है भाई, द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फुटबॉल टू दैट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हॉकी, मतलब कहने का है फुटबॉल पर कुल व्यय, हॉकी पर कुल व्यय का अनुपात कितना है।
फुटबॉल पर अगर आप देखें कुलबिया कितना है भाई, 15% है। हॉकी पर कितना है, 15% है। इन दोनों का अनुपात पूछा है, आप बता देंगे जी अनुपात कितना है, 1:1 का ये अनुपात है, कितना रेशियो है, 1:1। तो आपका सही आंसर भी क्या हो जाएगा भाई, 1:1, यानी ऑप्शन बी। अब समस्या कई बार ये आती है हमें कि यहाँ पर देखो परसेंटेज दिया है तो डायरेक्ट परसेंटेज रख देंगे, अगर आप यहाँ पर परसेंटेज का निशान लगा भी देते तो दोनों कट जाते, ठीक। तो आंसर कितना मिलता है आपको, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी डीआई के आधार पर, बाकी जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर कुल व्यय इतना दिया गया है, कितना है भाई ये, 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि 1,20,00,000 रुपए दिया गया है, तो बास्केटबॉल पर कितना खर्च किया गया। बास्केटबॉल का खर्च देखो, बास्केटबॉल पर किया गया है 12.5%, 12.5% की वैल्यू निकालनी है किसकी, 1,20,00,000 की, ठीक है। इसका कितना निकालना है, 12.5%। अगर आप जानते हो, आपने जो परसेंटेज वाली मेरी क्लास है वो देखी हो, तो आप जानते हैं कि 12.5% कितना होता है भाई, ये होता है बराबर 1/8 के, 1/8 हिस्से के बराबर होता है। तो बेसिकली आपको इसका कितना निकालना है, 1/8 पार्ट आपको निकालना है। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 40, 8 5 40, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका 15,00,000, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं भी जानते तब भी आप इसको कर लेते सीधा कि 12 क्या है, 1,20,000, 1,20,00,000, 1,20,00,000 का 12.5 यानी 12.5/100 सोल्व कर लेते तभी भी आपको आंसर तो इतना ही मिलता, 15,00,000 रुपए, ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है देख लीजिएगा। चार्ट से पता चलता है कि देश का लोकप्रिय खेल है, सबसे लोकप्रिय खेल जो सबसे ज्यादा खेला जाता है, जिस पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, वही क्या है, लोकप्रिय खेल है। यहां पर क्रिकेट देखिएगा, 25% इस पर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो सबसे लोकप्रिय खेल भी क्या हुआ, क्रिकेट हुआ, वो तो जनरल भी है, इंडिया की बात करें तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देख के ही आंसर आते हैं, आप देखेंगे अगर क्वेश्चन आपके टेबल से नहीं आए हैं, यानी कि या तो लाइन ग्राफ से आए हैं, पाई चार्ट से आए हैं, या बार ग्राफ से, तो क्वेश्चन अपेक्षाकृत आसान होते हैं। जब टेबल से क्वेश्चन आते हैं तो कैलकुलेटिव हो जाते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन उनमें करने पड़ता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिकेट। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्न में से किस देश का व्यय समान है, जो खर्चा है वो बराबर है। आप देखो टेनिस और अदर्स पर खर्चा समान है, गोल्फ और बास्केटबॉल पर खर्चा समान है, हॉकी और फुटबॉल पर खर्चा समान है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है, आपका क्या दिया गया है, यहां से अगर आप देखें तो हॉकी एंड टेनिस अलग अलग है, यानी गलत हो गया। गोल्फ एंड बास्केटबॉल, गोल्फ एंड बास्केटबॉल सही है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन दोनों पर खर्चा क्या है, 12.5% ही है, दोनों पर 12.5% खर्चा आपका होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि एक ईयर में मैंने कहा था आपसे 10 से कई बार ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये 11वां क्वेश्चन आपका है। यदि वर्ष के दौरान खेल पर कुल व्यय इतना है, कितना भाई, 1,50,00,000 है, तो क्रिकेट और हॉकी पर एक साथ व्यय, क्रिकेट पर कितना खर्च हुआ भाई, 25%, हॉकी पर कितना हुआ, 15%, कुल मिलाकर खर्चा कितना हुआ, 15% और प्लस 25%, यानी टोटल 40% आपका व्यय हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, कितने रुपए में से, आप देखो इतने रुपए में से 40% आपका खर्चा इन दो गेम्स पर हुआ, तो पैसा कितना आया आप निकाल लेंगे, 1,50,00,000 है ना, यहाँ पर लिखिएगा इतनी वैल्यू का कितना निकालना है आपको, 40%। वैसे 40% कितना होता है भाई, 2/5 होता है, लेकिन आप सीधा सीधा 40% इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 2 जीरो से आप देखेंगे ये 2 जीरो जाएंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 60,00,000 रुपया। तो कितना आंसर हुआ आपका, विकल्प ए आपका सही आंसर हो गया है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि ये नोट्स आपको मिल जाएं तो आपको ये मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम का नाम है होम साइंस बाय प्रेरणा मैम, और इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको जीएस के क्वेश्चन मिलते हैं एक शॉर्ट्स के रूप में, आपको आपको मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में एक क्वेश्चन वहां पर मिल जाता है, तो शॉर्ट्स के रूप में वहां पर आपको क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।